Hello and welcome back to my another video. I hope everybody is doing great. In this video we will talk about the driving license, Maltese driving license, car and bike, how you will get the license and how much it will take and how much money you have to spend for the driving license. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कमल कुंवर 2009. आपकी जितने भी क्वेरीज हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूँगा. सबसे पहले तो आपको पता ही है, जो भी टैक्सी ड्राइव में टैक्सी में आना चाहते हैं या फिर डिलीवरी में आना चाहते हैं उसको टू व्हीलर या फोर व्हीलर लाइसेंस चाहिए. 1 ईयर तक आपको चलाने देंगे, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत इशू है कि कभी कभी एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस, कभी एक्सेप्ट नहीं करते. अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो 34 यूरो का फाइन होगा. 34 यूरो 90 सेंट का होता है सर, चलान होता है, तो इतना आपको पे करना ही पड़ेगा. अगर आप उनका एक्सेप्ट नहीं किया, आप पटिशन भी करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. मैं पटिशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, देखना चाहता था कि इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता, क्योंकि मेरे को 1 ईयर कम्प्लीट तो हुआ नहीं था. तो आपको आते ही सबसे पहले लाइसेंस के लिए ही प्रोसेस करना चाहिए. बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने मिस्टेक की थी, फरवरी में मैंने काम शुरू किया था और मैंने जून के मंथ में जाके मैंने अपना लाइसेंस का प्रोसेस किया था, तो जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, कोई था भी नहीं गाइड करने वाला और उस समय लाइसेंस का इतना लोचा भी नहीं था कि लाइसेंस के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा था ही नहीं. लेकिन अब बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है. जिसको 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है फिर भी लाइसेंस अगर लेता नहीं है तो बहुत हैवी फाइन होता है उसको, 2,000-2,500 तक का फ़ाइन होता है. वो उसको केस में कोर्ट में जाना पड़ता है जहाँ पे उसका केस चलता है, ठीक है. तो फ़ाइन 2,000-1,500 इतने तक का फ़ाइन हो सकता है. अगर आपको पुलिस जो पुलिस है यहाँ की, अगर वो पकड़ ले और आपको अगर आपको केस कर दे कि हाँ भी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, आपको कोर्ट में आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा. तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले, अगर आप काम इसी काम में आ रहे हो तो सबसे पहले आप ड्राइविंग का प्रोसेस कर लो. जैसे TRC कार्ड आता है, आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हो और थ्योरी टेस्ट पास करके फिर आपको फाइनल टेस्ट बुक हो सकता है. सबसे पहले बात करूँगा टू व्हीलर का. टू व्हीलर का कितना खर्चा होता है, मेरा दोस्त है उसने जो अप्लाई किया है जिस स्कूल से, अगर आपको किस स्कूल का नाम चाहिए मैं आपको बता दूंगा किस स्कूल से उसने अप्लाई किया है, उसका खर्चा बताता हूँ कि कितना खर्चा लगा. सबसे पहले उसने जो एडमिशन ली है 120 यूरो, 120 यूरो उसकी एडमिशन में लगे हैं, जिसमें मेडिकल भी सारा कुछ उसी में ही है. उसके अलावा आफ्टर वीक और 10 डेज़ के बाद उसको एक क्लास मिली, क्लास इन द सेंस 50 यूरो उसके लगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी टेस्ट थ्योरी का था, थ्योरी के बारे में बताया था. स्क्रीन थी, बाइक कैसे चलानी है आपने, आगे राउंड अबाउट है, अगर आपने सेकंड एग्जिट लेना है तो कितने टाइम पहले आपको इंडिकेटर देना है, अगर आपने फर्स्ट एग्जिट लेना है तो कैसे लेना है, स्ट्रेट जाना है तो कैसे क्या करना है, ये चीज़ों के बारे में बताया गया था उसको. 3 घंटे की क्लास थी जिसके 50 यूरो लिए, ठीक है जी. तो मुझे वो बता रहा था कि बहुत सारे स्कूल हैं जो ये क्लास देते नहीं हैं, वर्बली बता देते हैं. जब आप जब टेस्ट में जाते हो, फर्स्ट क्लास लेनी है, 2 क्लास लेनी है, 3 क्लास लेनी है, उसी क्लास में वो बता देते हैं. लेकिन वो जो स्कूल है, वो जो टीचर है, वो थ्योरी टेस्ट देता है. बकायदा 3 घंटे की क्लास होती है जिसमें आपको A to Z बताएगा गाड़ी चलाने के नियम क्या हैं, आप जब चलाओगे बाइक तो आपको कौन सी लेन में आपने अपनी बाइक रखनी है, सारी चीज़ें वो बताता है जो होगा इंस्पेक्टर, जो आपका जो टीचर होगा. और 120 यूरो वो लगे, 50 यूरो वो लगे थ्योरी के, जो आपको थ्योरी के लिए जो बताया उसने, और 30 यूरो लगे आपके थ्योरी टेस्ट के, ठीक है जी. ये हो गया आपका नॉर्मल मनी. उसके अलावा मैंने उसको जो पूछा है कि कितने क्लासेस तेरे को लेनी पड़ेगी, कहता है मेरे टीचर ने मुझे बोला है कि कम से कम 5 क्लासेस मैं दूंगा ताकि आपका पहली बार ही आपका क्लियर हो जाए ड्राइविंग का. ऐसा नहीं कि आप 30 मार खानो, आप शुरू से आप बाइक ही चलाते आ रहे हो तो आप फेल होगे नहीं, क्योंकि हम जो बाइक चलाते हैं दोस्तों वो बाइक के चलाने को हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलाना पड़ता है. तो मुझे बोला है कि 5 क्लास, उसने मुझे बोला है कि 5 क्लास लेनी पड़ेगी और पर क्लास का 1 घंटे का क्लास होगा जिसके 22 यूरो लगेंगे. आप कैलकुलेशन कर लो कितना हो गया, मोटा मोटा 112 समथिंग हो गया 5 क्लास का. और ये डन हो जाने के बाद या फिर उसकी जब 3rd क्लास होगी तभी जो उसका टीचर होगा उसकी फ़ाइनल टेस्ट बुक कर देगा, जिसके 100 यूरो लगेंगे फ़ाइनल टेस्ट बुक के भी. तो ये सारा बाइक का होगा, जब अगर वो पास हो जाता है फर्स्ट टाइम है तो 5 क्लासेस उसको लेनी पड़ेंगी. मुझे जैसे उसने मुझे बताया कि 5 क्लास मुझे मेरे टीचर ने बोला है लेना पड़ेगा. और जो बाइक है उसकी जो फाइनल डेट आ रही है वो 3 से 4 महीने लग रहे हैं. बाइक का बहुत ज़्यादा रश हो गया है ड्यू टू
जो लाइसेंस का जो इशू हो रहा है, पता ही है आपको, 1 ईयर से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर 2 व्हीलर का लाइसेंस ले रहे हैं, क्योंकि हम एशियन ऐसे होते हैं कि कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती नहीं है, 4 व्हीलर नहीं आती होती है, ठीक है, कईयों ने तो स्टेयरिंग पे बैठे भी नहीं होते, बहुत सारे लोग जो हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो उनको सडनली यहाँ आके गाड़ी सीखने में टाइम लग जाता है और पैसा ज़्यादा लगता है, तो लोग सोचते हैं यार हमें बाइक तो आती ही है, बस 4 या 5 क्लास ही लगेगा, ठीक है, इसी में ही हम सीख लेंगे, पास कर लेंगे, तो लोगों की सोच ये होती है। कोई लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनको गाड़ी पहले से आती है, वो कहते हैं कि नहीं हमने तो यार कार की लेनी है। कार का लाइसेंस लेने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आप 4 व्हीलर का लाइसेंस तो आपको मिलेगा मिलेगा, प्लस 100 यूरो दे के आप बाइक का भी आप उसमें ऐड करवा सकते हो, जिसके जिसको आप 125 cc तक आप बाइक चला सकते हो उसी लाइसेंस से, कार वाले लाइसेंस से, बस उसके आपको 100 यूरो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। खर्चा कितना आता है कार लाइसेंस का, वही जो एडमिशन फीस होती है और मेडिकल करके, मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे 80 यूरो लगे थे, जिसमें स्कूल की एडमिशन थी और मेडिकल था डॉक्टर का, ठीक है, ये सारा 80 यूरो हो गया। उसके बाद जो क्लासेस हैं, आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्लासेस लेनी है, जहाँ से मैं ले रहा हूँ और वहाँ पर उसकी जो फीस है पर आवर वो 18 यूरो है, जिसको गाड़ी आती नहीं है उसको 15 से 20 क्लासेस उसको लेनी ही पड़ती है, जिसने कभी गाड़ी ना चलाई हो, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जब उसको लगता है टीचर को कि नहीं नहीं ये बंदा पास कर सकता है, तो फिर वो फाइनल बुक कर देता है, आपकी फ़ाइनल टेस्ट बुक कर देता है। फाइनल बुक करने के लिए दो हैं, एक है सैटरडे की क्लास और एक है नॉर्मल डे, नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास में क्या होता है कि 80 यूरो आपकी फ़ीस होगी फाइनल डेट की, और वो जो 80 यूरो वाली है वो 3 महीने के बीच में आ सकती है, मतलब 2.5 महीना तो 100% लगेगा ही लगेगा, और 3 महीने के बीच में, मतलब जैसे 90 डेज कंप्लीट होने वाले होंगे उसके बीच में आपकी क्लास आ जाएगी। और जो होता है 100 यूरो, कहीं 100 लेते हैं, कहीं 120 भी लेते हैं, रेट इधर उधर हो सकता है, वो सिर्फ होती है सैटरडे की क्लास। उसमें क्या होता है कि आपकी जो क्लास होगी फाइनल डेट, वो 2 महीने से पहले पहले आ जाएगी, मतलब रफली मान के चलो 50 से 60 दिन के बीच में आपको क्लास फाइनल मिल जाती है। और इसमें आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि शनिवार को होता है बंद माल्टा ट्रांसपोर्ट ऑफिस, लेकिन आपने जो 20 यूरो या 30 यूरो जो आपने जो एक्स्ट्रा दिए हैं, उस केस में जो टीचर होगा, जो आपका जो इंस्पेक्टर होगा, वो आया होगा आपके लिए, ताकि आपको आपकी ने जो बुक की हुई एक्स्ट्रा पैसे दे के उसके लिए आता है वो। तो सिर्फ और सिर्फ शनिवार की क्लास मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको छुट्टी होती नहीं है, वो कहते हैं यार हमें छुट्टी मिलती नहीं है, हमारी सैटरडे को छुट्टी होती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सैटरडे की जो क्लास है सबसे बेस्ट रहेगी फाइनल बुक। और टाइम कितना लगता है, अगर मान के चलो मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने कार्ड ले लिया, 1 महीने में आप यहाँ आ गए हो, 1 महीने में कार्ड ले लिया, उसी साथ में आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया, गाड़ी आपको आती है, ठीक है, 3rd मंथ में ही आपकी फाइनल ट्राई, 4th मंथ में ही आपकी फाइनल ट्राई आ गई। फाइनल ट्राई जब आ गई और आपने पास कर लिया, पास करते ही आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके जैसे 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपका जो लाइसेंस है ऑटोमेटिकली आपके होम एड्रेस पे पोस्ट हो जाएगा। अगर आपके 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 6 महीने कंप्लीट होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको लाइसेंस हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपके घर पे मिल जाएगा, जिसके 20 से 25 यूरो आपको देने पड़ते हैं। एक होता है इमरजेंसी, आज पैसे दो कल, नहीं तो आज ही लाइसेंस ले लो, जिसके रफली 40 या 45 यूरो लगते होते हैं। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन माल्टा के लाइसेंस के बारे में। अगर आपके पास माल्टा का लाइसेंस है तो आप पूरे यूरोप में जितने भी शेंजन जोन है वहाँ जाके आप ड्राइव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यूके में चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि पूरे शेंजन जोन में जाके आप ड्राइवरी, कार हो गया, टैक्सी का हो गया या डिलीवरी का हो गया, ये काम कर सकते हो, आपको कोई भी फाइन नहीं दे सकता। परसों मैं एक बंदे से मिला, वो हंगरी का है, लोकल हंगरी का ही बंदा है, वो डिलीवरी कर रहा था वोल्ट की, तो मैंने कहा यार ये बंदा मुझे सर्बिया के भी नहीं लग रहा है, ये मुझे शेंजन जोन का ही लग रहा था बंदा, वो उसके एक्सेंट से ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सर्बिया के बंदे बहुत मिल जाएंगे आपको, रोमानिया के बंदे बहुत मिल जाएंगे डिलीवरी में, ठीक है, वो मुझे कहीं लग रहा था कि ये कहीं और का है। तो मैंने बात जब से की, कहता है कि मैं हंगरी से हूँ, और मैंने ऐसे सारी डिटेल पूछ ली। मैं कहा तुम यहाँ पे काम जैसे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बोलता है मुझे सिर्फ वर्क परमिट चाहिए, नो TRC कार्ड, ठीक है, TRC कार्ड उनको चाहिए नहीं, उनका TRC कार्ड यहाँ वैलिड है, पता ही है उनको, और उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, और उसी वर्क परमिट पे चलेगा, और जो लाइसेंस है हंगरी का लाइसेंस यहाँ चल रहा है, क्योंकि वो शेंजन में पड़ता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। और मुझे आप जैसे पूछते हो कि कौन सा स्कूल ज्वाइन करूँ, दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि कौन सा स्कूल ज्वाइन करना है आपने। आप रहते हो मेलिया या बुजीबा
ठीक है, या नक्सार, तो आपको आपके नज़दीकी जो स्कूल हैं आपको वहाँ देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, तो मैं आपको कैसे बोल दूंगा कि आप आ जाओ साउथ साइड में आ जाओ, तो आपको बहुत दूर पड़ जाएगा। और यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप ड्राइविंग के लिए आप स्कूल ज्वाइन करते हो, तो बहुत सारे 95% स्कूल ऐसे हैं जो आपको पिक करेंगे आपके घर से और आपके घर पे ही आपको ड्रॉप कर देंगे। कार की सीन में बता रहा हूँ मैं, बाइक का ऐसा नहीं है। बाइक के लिए आपको जाना पड़ेगा स्कूल में और आपको फिर वहीं से आपको सारा कुछ होगा। मतलब कार के लिए आपको ड्रॉप एंड पिकअप की सर्विस अवेलेबल होती है उसी मनी में, जो भी सर्विस चार्ज होगा स्कूल का, चाहे 20 यूरो पर आवर हो, चाहे 18 हो, चाहे 16 हो, चाहे 22 हो या 25 हो, उसी बीच में ही सारा कवर अप होता है आपकी फ़ीस और आपका अप एंड डाउन का, ड्रॉप एंड पिकअप का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।